केम छो हेलो को मतलब हेलो ही बोलता है और तो क्या बोलता है मजा मा। <laughs> <laughs> तो सर ने पहले ही मतलब इतने जोश में आए कि पहले ही ऐसे कि हटो तो हट जाओ ऐसा कर दिया मेरे साथ पर ठीक है धड़न धड़न यस चलो तो बच्चों आज मैं आपको बता दूं कि एक वॉर होने वाला है जिसमें मैं जीतने वाला हूं <laughs> वैसे मैंने अपने हाथों में रेखा देख ली थी कि आज मेरा जीत पक्का है बट फिर भी हम मैडम को अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा खिला देते हैं चलो ठीक है वो उसका रीजन ये है कि मतलब मैं हूँ मैंने इनको बहुत अच्छा तैयार किया पढ़ाया, है पढ़ाया बढ़ाया है तो अगर ये जीते हैं तो वो मेरी वजह से है और अगर हारते हैं तो वो उनके अपनी वजह से है बाकी मतलब देखा जाएगा यार मतलब मुझे तो लगता है कि मैं जीतूंगी ठीक है आपको नहीं यूरोप के रिलेटेड डाल क्योंकि चैप्टर ही वही है बाबा uh, मैंने मुझे क्या आपको काफी सारे वेरिएशन दिए इलेक्ट्रिसिटी दिया बंदा <laughs> लाइट दिया, लाइट दिया, दिया, पढ़ दिय। भी लेता पूरी की पूरी फिजिक्स दे दिए अब करो अब करो क्या करना है तुम कर लो मैं जो करना है कुछ हो ही नहीं सकता सर ने मुझे के लिए पूरा सिलेबस दे दिया है <laughs> और बाकी एक जो ड्रेडेड चैप्टर है हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है क्योंकि वो टेंथ का राइस ऑफ नेशनिज्म बहुत डर उसकी भी रिविजन हो जाएगी फन टू सी की

देखते हैं किसको देख. कितना आता है वैसे मुझे पता है मुझे तो आता ही है और बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक रिक्वेस्ट टू मुझे लग रहा है इन्होंने और... देख लिए हैं जवाब नहीं मैं सच, चीटिंग नहीं सच करता सच बताओ सच ही बता रहा हूं चलो ठीक है एक देखा था ओके <laughs> 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 चलो ठीक है तो <laughs> यार <laughs> देखो ऋषिका आई डेफिनेटली रिमेंबर यू यार ये टीम तो सारी दिख रहा है मुझे बहुत बहुत दुखी हो गई हूँ सबको पता है जीतने वाला बताया मैंने सुषमा तो मैम बहुत बड़े स्कोर रहा था इसलिए जो जलसी के नाम पे ways, <laughs> हम चलो आपको कुछ भी कभी भी कभी सीखना बेटा वी आर गिफ्टिंग यू वन प्लेटफॉर्म विच इज एम बाइक यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन लर्न यू कैन प्रैक्टिस यू कैन टेस्ट योर सेल्फ एज वेल और आपकी जर्नी भी हम डिसाइड यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गाइड कर सकते हैं सो डाउनलोड दी एप राइट नाउ एंड आई यू डोट वॉन्ट टू मिस आउट एन एनी ऑफ अ सेशन तो एमबाइप का हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जॉइन इट क्यू आर कोड है आपके लिए लिंक भी गिवन है ऑल्सो गाइज एवरी थिंग ऑन द ऐप इज़ एब्सोल्यूटली फ्री यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ सिर्फ रजिस्टर करना है एंड दैट्स इट तो बहुत ही ईजी है आपके लिए एंड स्पेशली फॉर टेंथ स्टैंडर्ड मतलब हमारा बोर्ड्स आ रहा होता है तो वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट और अपडेटेड रहना भी बहुत जरूरी है तो ये दोनों ही चीज़ें चाहे वो टेलीग्राम का चैनल है या फिर ऐप है आपके बहुत काम आने वाला है सो मेक श्योर टू बी दल्सो हेल्प योर फ्रेंड्स आउट विथ इट बाई शेयरिंग द लिंक सो चलें

तो तो पता होना चाहिए बात खत्म हाँ, आप <laughs> सोसाइटी का हिस्सा हो कि नहीं <laughs> तो आपको सोशल साइंस का सब कुछ पता होना चाहिए विद दैट लॉजिक पता है मैं क्या ना बोल रहा हूं <laughs> देखते हैं अभी देखेंगे <laughs> तो सवाल ये है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आईबॉल ह्यूमन आईबॉल का एप्रोक्सीमेट डायमीटर बताना है आपको अभी गिन, निकाल के मत <laughs> <laughs> वाह तो यहां पे तीन ऑप्शंस हमारे पास में

डायमीटर डायमी है हमारी आंखे जो होती है ना जब चार साढ़े चार बहुत ज्यादा हो जाएगा उतनी जगह कहाँ है ज्यादा हो जाएगा वैसे मैं आपको बता दूं कि हम जब से पैदा होता है उसके बाद से हमारा आंखों का डायमीटर ऑलमोस्ट नहीं बदलता सेम ही रहता है हाँ तो चार तो बचपन में बच्चे का नहीं होता होगा सबमिट कर दूं मैं मुझे नहीं पता आप हाँ, मैं मैं तैयार मैं करो चलो सही जवाब है anyway, थोड़ा सा इधर आ जाइए और देखिए कैसा इन्होंने पहला जवाब सही दिया मेरी मदद इट वॉज सो so, बात ready. अभी ये है कि हमारी आंखें जो है वो 2.3 सेंटीमीटर के डायमीटर की होती है सब में एग्जैक्ट 2.3 पॉइंट नहीं होता थोड़ा <coughs> आगे पीछे हो सकता है इसलिए उसमें रेंज थी 2.2 पॉइंट टू टू के बीच में आसपास अभी ये जो हम पूरी लाइफ में जितनी भी लर्निंग करते एटी परसेंट ऑफ लर्निंग हमारी आंखों से होती है hmm. तो आपको पता होना right. चाहिए था ये तो आपने सही जवाब दिया चलो ओके okay, रेडी तो सर ये वाला देखा है क्या आपने मियाँ <laughs> तो मत पूछो कौन सा <laughs> करके बता रहे तो आप इधर देखो ना ठीक है choose the correct nationality of the artist Frederic Sorio देखो इसके नाम से आपको थोड़ा सा hint लग सकता है हाँ मैंने वो सोचा था पहले who visualized uh, तो in his painting a society made up of what मैंने <laughs> पहले मैंने नाम से judge किया फिर attempt करके देखा ये एक जवाब मुझे पता है <laughs> made up of democratic uh, made up of democratic and social republic तो basically ये artist है इन्होंने ना पिक्चर्स बनाई थी जब मोनार्की ज्यादा एग्जिस्ट किया करती थी सारे जगह पे उस टाइम सब लोग फाइट कर रहे थे अपने एक नेशन के लिए जहाँ पे उनके द्वारा चुनी हुई सरकार हो मतलब डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिक हो सो so, आपने देख तो लिया है उधर बट ठीक है ये तो आपको आता है बता दो ये कब बनाई थी ये पिक्चर्स ये बनाई थी उन्होंने 1800 की बिगनिंग में 1800 अच्छा तभी तो वो सुधर गए 1 2 3 4 ये आंसर है स्विस अरे सेलेक्ट हो जा भाई आर यू श्योर आई एम डैम श्योर मैंने अटेम्प्ट किया है सर कह रहे स्विस है चलो हां करेक्ट है correct. क्यों डरा रहे थे अब मुझे समझा के सुषमा मैम कंप्लेन कर रहे थे ही वाज गाइस एक्चुअली मतलब ऐसे तो फ्रेंच होना चाहिए या थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट uh, मतलब

अभी यहाँ oh, पे वेट 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 ये मुझे आता है आई थिंक आई नो ये रिफ्रैक्शन है ओके okay. ये रिफ्लेक्शन है mm -hmm. और ये और आप कह रहे थे मुझे फिजिक्स नहीं आता करेक्ट आंसर ये ये वाला आसान है यार आसान तो, तो है वही तो मैं क्यों किसी को परेशान करूंगा फालतू में आई डिड इट तो ऐसा <laughs> so, तो तो है कि वन एंड टू इज द काउंट ठीक है क्योंकि दो सवाल हुए हैं So, तो आप रिफ्लेक्शन <coughs> so, के आर पार आप देख पाते हो दैट इज रिफ्रैक्शन लेंस के आर पार आप देख पाते हो चश्मे में वो भी रिफ्रेक्शन है डायफ्रेक्शन क्या होता है कि एजिस्ट से लाइट का बैंड हो जाना तो so, आप जब भी, भी कोई दूर की एक बीम लाइट देख रहे हो आपको दिखते पूरी स्प्रेड होती हुई तो hmm. so, वो हो गई डायफ्रेक्शन या कोई भी शार्प एजिस से लाइट जो है वो टर्न आ टर्न हो जाती है थोड़ी थोड़ी बिखर जाती है तो दैट इज डेफ्रेक्शन ये है. समझ आ गया है अब बढ़ते आगे ओ ये क्या है <laughs> चलो आप भी प्रणाम बिलीव्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज नेसेसिटी बिकॉज इट एनश्योर दी प्रोटेक्शन ये आसान है आप गेस्ट कर लोगे ठीक है गेस्ट तो कर ही लूंगा जनरल जैसा लग रहा है कि थिंकिंग क्या होगा It ensures protection to all inhabitants. Mm -hmm. It ensures liberty to all inhabitants, citizen. ऐसा तो अभी कुछ कंट्री में नहीं है तो बोल नहीं सकते ठीक है It ensures parliamentary form of government to its inhabitants. inhabitants. It ensures job and goods. मेरे हिसाब से ये तो सही है Multiple है क्या नहीं Protection.

पर देखना नहीं है ठीक है ये सब धोखेबाज लोग चैट नहीं क्योंकि उन्होंने हिसाब से गेस किया है। है तो मतलब the idea is कि देखो बहुत ज्यादा होती है ना में आपके पास लिबरेशन नहीं होता है आपके पास कोई डिसीजन नहीं होता है ना वैसे बट उस वक्त तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था ना मतलब कि जब एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनेगा तो डेमोक्रेटिक नहीं लिखा है चीटिंग है

नहीं नहीं नेशन का मतलब एग्जैक्टली <coughs> <coughs> exactly वो नहीं हुआ ये थोड़ा स्पेसिफिक द चैप्टर मतलब और मॉडर्न स्टेट पहले एग्जिस्ट किया बाउंड्री कि डिफाइंड थी hmm. वहां पे लोग भी हुआ करते थे और एक रूलर भी हुआ करता था बट द पीपल द रूलर वर नॉट फ्री हैड नो राइटेड हाँ ठीक है ठीक है

ये क्या है हर बार क्या हिंट खोल के देख रहे हो खुद तो के एक भी, भी सवाल में हिंट नहीं दी मैंने पूछा <laughs> इनको कि थोड़ी हिंट डाल दो खोलते क्या हिंट की जरूरत है वाह मतलब क्या है चलो ठीक है रेटिना रेटिना कहाँ होती है बताता हूँ हमारी आंखों का जो पर्दा होता है वो रेटिना होता है प्यूपिल प्यूपिल ये जो ब्लैक होल है ना जिसको डाइलेट होता है ना फिर लेंस है जो कि ये है

अच्छा। ये muscles तो आप कह रहे हो ये ये मसल्स है राइट? जो lens को hold करके वो लेंस को होल्ड करते हैं तो उनपे अगर जम भी जाएगा तो ये वाले विजन पे फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा okay, मुझे लगता okay. है जब so, तो और pupil lens. है जो ये ब्लैक पार्ट हाँ और लेंस है ये जिसके पीछे है प्यूपिल तो करो ना मैं क्यों करूं सबमिट अरे उधर करना सबमिट इधर अंदर वाइट भरा हुआ है लेंस में हाँ, अरे यार लेंस में क्लाउड इसीलिए लेंस बदलनी पड़ती है ओके <coughs> okay, मुझे लग, मुझे ये पता था कि शायद वो फिल्म आती है और उसको सिर्फ क्लीन कर देते हैं प्यूपिल जो है ना मतलब लेंस में से भी <coughs> वो हो सकता है बट प्यूपिल जो है वो कुछ है ही नहीं वो होल है जहाँ से जिससे लाइट पास है। होती है <coughs> हाँ, तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता चलो चोइस कैटाराइट के बारे में आपको समझ गया

तो 1815 में ऐसा हुआ हाँ। कि नेपोलियन को हराया था जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने ठीक है उसके बाद ऑस्ट्रिया में एक ट्रीटी साइन की गई थी okay. वहां पे सब लोग आए थे ठीक है तो उनमें कौन सी कंट्री नहीं आई थी वो पूछा जा रहा है ऑस्ट्रिया में हुई थी ऑस्ट्रिया तो जर्मनी के पास आया बट यूरोप में तो ये सारे कंट्रीज वैसे रशिया में तो अभी वैसे रशिया <laughs> हो सकता है ठीक है है तो तो ब्रिटेन ब्रिटेन रशिया रशिया स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड सोचो मुझे लग रहा है, ने okay. तो तो मुझे ओके किसने नहीं करा था अटेंड बट उसको इनवाइट नहीं क्यों करेंगे समझाती हूँ कि नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए थे नेपोलियन एनेक्स करने की नेपोलियन आया था इटली को इन्वेड करते हुए फ्रांस में वो बन गया था डिक्टेटर ठीक है एक तरह से उधर नहीं देखना है अब अरे मैं, नहीं, मैं देख वो टाइम लगता है क्लियर होने के लिए विजन चलो आप बताओ मैं क्यों बताओ आपको बताना है बता दिए आप एक्चुअली में मैं एकदम जोश लेके आता हूँ मैं जीतूंगा करके चलो मैं जाता हूँ इसमें स्विट्जरलैंड वाले तो शांत हो <coughs> मुझे लगता है ब्रिटेन नहीं पार्टिसिपेट किया होगा क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त में पीक पे था तो क्यों नहीं करेगा ऑल द मोर रीजन टू पार्टिसिपेट सही जवाब स्विट्जरलैंड देखो मैं करेक्ट ही था आपने झूठ कहा <laughs> मैंने झूठ कैसे कहा मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, देख, नहीं। देख देख करके भी गलत सब... किया हाय नेहा अरे oh so नहीं बाय जस्टिस फॉर मैम। गॉड। गाइस थैंक यू सो मच। देख सकते हो। सा सवाल है बहुत मैंने फिजिक्स में इजी रखा था की आप जीत पाओ बाकी ऐसा कुछ है नहीं <laughs> क्लिक ऑन लेंस दैट इज यूज्ड टू करेक्ट आई डिफेक्ट मायोपिया ओ मायोपिया क्या होता है दूर का माइनस वाला ही दिखता है। हाँ। नहीं दिखता है तो इसलिए है। बोला? चश्मा मेरा चश्मा ऐसा दिखता है मैं तो लेंस लगाया हुआ अभी। चश्मा लेके आओ चेक करो लेंस लेके आया चमा लेके नहीं आई हूँ ये वाला है कॉन्वेक्स और कॉनकेव है ये कॉन्वकेव है ये कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स इज यूज फॉर माओपिया अभी यही चीज अगर जाएगी ना तो आप पे सीधा फटेगा एक एफआईआर लिखेंगे कि इसको इसको बोला गया ये इसको बोला गया इसको क्या बोला कौन केव मतलब मैं क्या बता ये वाला होगा ये होगा हाँ शोर ये देखो बीच में से पतला है यस दिस इज माय आंसर ठीक है बचपन से चश्मा पहन रही हूँ मैं <laughs> अनुभवी इंसान <laughs> चलो क्या होता है मायोपिया में कि हमें दूर अच्छा, का कौन के था क्या वो दूर का नहीं दिखता है और नजदीक का बहुत क्लियरली दिखता है तो क्योंकि हमारी आंखें जो है वो कुछ ज्यादा ही कन्वर्ज करने रही लगती रही रही है अच्छा दिखाई दे, दे रहे हो आप बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना यस yes,

the first great re evolution the first great revolution <laughs> which gave which gave the clear idea of nationalism with its core words liberty equality and fraternity was basically in may say chapter to aapka तो french revolution hai in may say kaun sa revolution ye chapter hai rise of nationalism in europe europe pe to france aaya Russia कहाँ है Russia का आधा पार्ट Europe में गिना जाता है पूरा नहीं गिना जाता तो, और Russia रशिया में ये सब का बात ही नहीं है छोड़ दो करेक्ट <laughs> मतलब <laughs> हाँ मुझे बता लग रहा है मैं जीत रही हूँ अभी तक नहीं, लग नहीं सही रहा है मतलब बात यही यार फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले ऐसा रेवल्यूशन था जहां पे लोगों ने सिखाया बाकी दुनिया को कि जो जनता है वो भी अपने हक के लिए लड़ सकती है एंड दिस इज

Hmm. वो देख रहा है सन को hmm. उसको एक्चुअली कौन सा सन दिख रहा होगा और कौन सा एक्चुअल में होगा ये कैसा सवाल है ये हाँ, ये क्या है? ये हर बार मत करो यार ये क्या है <laughs> <laughs> ये <laughs> yeah. Yeah. कहीं चाकू है ये <laughs> ठीक yeah. है करो सबमिट करो मुझे नहीं पता

तो होराइजन से नीचे से सन की रेस तो हर जगह आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी मुड़ के आती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में बार 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 लाइट बैंड आती है तो हमारा विजन ऐसा दिखता है कि जैसे हमें लाइट दिखती है सीधा दिख रहा है हमारे सामने ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है हमें लगता है कि यहाँ सन है लेक्चर एक्चुअली में होता है यहाँ पे तो सुबह सनराइज के दो मिनट पहले हमें सन दिख जाता है और सनसेट को दो मिनट बाद तक हमें सन दिखता है मतलब सन अभी निकला नहीं है फिर भी हमें सन दिख रहा है

फ्रीडम ओनली फॉर फॉर ये भी नहीं है ऑटोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी नहीं हो सकती बराबर ना हुँ. Radical, हुँ. तो यही हो. मैंने की मदद कहीं कुछ मदद नहीं की, मैं, मैंने मैं नहीं बोल रही थी तो? तो नहीं बोला कं... तो अच्छी बात है ना आपने बोला ही नहीं आप तो बोल रहे हो इट्स कंपोनेंट कलर इज एज न्यूटन ने डिस्कवर किया था ये क्या आप पढ़ के से करते हैं ना हम ये? हाँ, पर ही है, ये नहीं पता होना चाहिए ठीक है, <laughs> <पता> <laughs> है वो, 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 तो अच्छा। एग्जाम का सवाल पूछ लिया <laughs> क्यों एग्जाम का सवाल है फॉलोइंग फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली अच्छा ये आया है पर <laughs>

तो ये मदद कहां से थी उल्टा मुझे उस कंफ्यूजन में रहने देते तो मैं अगला अगले पे जाता मेरे को जाने नहीं दिया आगे चलो मजेली मैं ये आता था मुझे बट ठीक है क्या कर रहे हो <laughs> मैं क्या कर रहा हूँ <laughs> <laughs> अभी मैं इधर देख के जवाब दूंगा हाँ देखा ओ माय गॉड गाइस दिस इज फन मुझे ऐसा लगा मैं जीत गई हूं पर नहीं ऐसा नहीं somehow मुझे लगा 10 सवाल है तो सारे 10 सवाल हो गए पर बस <laughs> सवालों पर हर किसी का सलूशन है चलो एनीविच वेज ये बताइए अभी शायद आप इसमें हार सकते हो आपको बबल्स कनेक्ट करने हैं मैग्नेटिक फिल्लैंड्स का रिलेटेड ये आपको ग्रीन वाले आपस में नहीं कनेक्ट करने right. बाकी येलो को जो जो रिलेटेड उससे करने ठीक तो 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 hmm. है तो ड्रैग फ्रॉम वन बबल टू अनदर टू फॉर्म वन और मोर द सर चीटर है अरे भाई ओ मैडम ये अलग ही मुहिम चला रही शश्वता शश्वता यार तू ही प्यार है एकदम शी इज माय फेवरेट

दया खाए मैंने अब ना ये ना जो ना भी मैम इज ऑनेस्ट थैंक यू आर्यन यू सर लिख रहा था वो गलती से मैम टाइप हो गया यू सो स्वीट यस आर्यन थैंक यू बेटा वजह ने लिखा है कि आई थॉट दैट यू वर नॉट सो गुड इन फिजिक्स बट इट सीम्स लाइक यू आर अ प्रो ये किसने सोचा था कि एक दिन मुझे फिजिक्स यार मैं केमिस्ट्री में मेरा खराब हो, हो गया बिकॉज़ ऑफ योर टीचर

इधर भी जगह है मतलब आपको सोचना है कि दोनों चीजें लगानी है हाँ, ना इधर चिपक जाओ उधर रखना नहीं है <laughs> मैं इधर ही चिपकाऊंगी ठीक है रखो क्योंकि यार ये प्लस माइनस है ये तो सेल ही है ऐसा मत सोचो ना <laughs> 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 फिर ये है मोटर का वो जो भी हम हाँ बोलते पंख बोलेंगे अभी ये कहां लगेगा हां ट्राई करो आता है नहीं उनको वैसे हां ये या ये तो मुझे अरे मैं कह रहा हूं ये यहां लगेगा ये गजब ही है ये भी सही ओ, कर दिया ओ, है। ओ मेरे से हो गया यार प्यार नहीं लग सकता कुछ भी रे अभी लगा था तुमने क्या कर दिया तुषार नहीं हो सकता वहाँ पे जबरदस्ती सेल लगा रहे हो अरे नहीं होगा मैडम क्या प्रॉब्लम है इसको ये है आपका डेमोक्रेसी उसको नहीं आना है जबरदस्ती ले रहे हो अरे क्या तुमने हटाया करो उसको वापस जाओ मैंने लगाया था मैंने कुछ किया ही नहीं मैं आपको भी मदद करता हूं नहीं <laughs> भाई रुक जा व्हाट इज हैपनिंग इसको भी निकालो हां एक सेकंड ये अंदर क्यों डस जा रहा है हां हां मैंने किया है ये सही इसका मार्क्स मैं भी लूंगा नहीं ये पर सही नहीं है तुमने खराब ओ माय गॉड आई एम सो ऑसम अरे कोई बात नहीं आज मैं बहुत जो नेम <laughs> मेरा नाम अंकना है देखो किसी को जीतने वाले का नाम भी नहीं फर्किट गोजी क्रेडिट उन्होंने तो लिखा Credit goes to अंकना वाला नहीं है ये। चलो तो कौन है? <laughs> चलो। ग्रीस वॉज ऑटोनॉमस कंट्री बाय विच ऑफ ट्रीटीज मतलब बेसिकली ग्रीस चलो यहाँ पे सुनो सुनो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ वो जो ऑटोमन एम्पायर आप बोल रहे थे ना उसने इसके ऊपर घेरा डाल कर रखा हुआ था Greece तो उससे आजादी इनको मिली ठीक है तो वो कौन से ट्रीटी से मिली थोड़ी देर पहले वियना आया था ठीक है पर वो तो... पर वहां ग्रीस था स्विट्जरलैंड नहीं था ग्रीस तो होगा हो सकता है बट वो उसमें ब्रिटेन भी था ब्रिटेन क्यों आएगा <laughs> कॉन्स्टेंटिनपोल 19 कब आजादी मिली वो बता दूंगी तो तुमको जवाब भी मिल जाएगा ऐसा <laughs> थोड़ी है वारसो मुझे लगती है ये तो जर्मनी में ना वारसो हां कि ना <laughs> वो मैं बता दूंगी ग्रीस है जब मैं जगह ही बता दूंगी तो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा अरे तो ये कहां है वो बता दो ना खाली क्यों तो चलो ये कहां है वो बता दो क्यों अरे क्या क्यों मैं किसी का भी बताऊंगी तो आपको जवाब पता चल जाएगा जगह बता दे रही हूँ तो या तो वो है या तो नहीं है ये नहीं है आपने ये वो वाला है जो मतलब इसको हराया तो था है। क्या बताओ ये है कि नहीं अरे यार सॉरी ये है कि नहीं क्या बात है ये है कि नहीं है ये जगह ये देखो इसके बारे में पढ़ा था ये नहीं देखो इधर ये, ये जो है अरे यार मेरे को भूलवा दे रहा हूँ नेपोलियन वाले से रिलेटेड है क्या लिखा है हारने आए इसलिए बाकी कुछ मैं ना? अभी भी जीत रही हूं पता है ना तो इस एक सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जवाब दो सर्किट ऑफ दैट हैज स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड करंट पास थ्रू इट

Of देखो दे रही हूं। अच्छा काम नहीं आएगा पर जर्मन किंग ऑफ़ एम्पायर थोड़ा बता दो थोड़ी मुझे हिस्ट्री तो बताओ मैं भी सीखूं जवाब दो फिर पूरी तो हिस्ट्री आपको बताओ समझना चाहिए कुछ मुड़ना मत मैंने बच्चों को मेरा चेहरा आप देखो इधर हाँ मुझे थोड़ी इतिहास समझाओ मैं भी सीखना चाहता हूँ सिखाओ मेरे को सिखाओ बताओ थोड़ा इंडिया के आजू बाजू लाना चाहिए थोड़ा लेटेस्ट का लाना so, चाहिए रशिया ने ये क्या वो क्या अरे ये, ये, ये गलत if you है यार turn your head one more time towards that side i swear you will है? not have a head on top of your body सोचा कहां होगा पेट पे पैर पे जहां भी होगा वहां नहीं होगा जहां भी है इधर देखो leading role unification of ये अलग बंदा है और वो ऑटोमन वाला अलग बंदा है नहीं वो यही इसका नाम भी वहां पे था इसका इसी ही ऑटोम तो था। था। का नाम था वो कि कोई बंदा नहीं था वहां पे बंदा नहीं है अभी अभी हम यूरोप की बात कर रहे हैं यूरोप यूरोप ऑटोमन और ऑटोमन में नहीं है रिलेशन यूरोप ने जिंदगी कठिन कर दी मेरी नहीं ये नहीं हो सकता। हम्म। ओटो वन बिस्माल। रशिया कहाँ था? रशिया के बाजू में। पर कहाँ? हाँ। पर कहाँ? फॉर्मली किंग ऑफ़ रशिया। जय हनुमान सागर से कभी मैं यही था आपने जान मुझ के मेरे को ऊपर देखा कि इधर ले गया ये गलत है बच्चों मैंने कुछ भी नहीं किया इधर सब चैट कर रहे मेरे लिए आपने उन, उन लोगों का दिल तोड़ा है मैं अभी इधर ही देखूंगा मैंने कुछ भी नहीं किया है ठीक है चलो तो ये इसके बारे में बताओ अभी ये कौन है ये कब से मेरा जवाब रॉन्ग बार हो गया ये तो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया यूरोप में पहले बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स एग्जिस्ट किया करते थे ठीक है

वो किंग बनते इस नए यूनिफाइड जगह की जो कैजर विलियम आपने देखा ऑटोमन बिस्मार्क वाज एक्चुअली हिज प्राइम मिनिस्टर हु बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस सात साल का वॉर लड़ा उन्होंने ठीक है डेनमार्क ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट और सब कुछ यूनाइट किया जो प्रेजेंट जर्मनी झगड़ा चल रहा था सब में

अब ऐसा मत करो okay. तो ऐसा था कि जो इटली किंगडम था वो सात हिस्सों में डायनेस्टीज में बटा हुआ था और वहां पर सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे लोग सेम इटालियन डायलेक्ट भी नहीं बोलते थे वो डायलेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट थे उसको यूनिफाई करना वॉज मोर डिफिकल्टैन जर्मनी <laughs> हाँ, तो सर मत पढ़ो मैंने इसलिए तो रीड किया <laughs> पास आगे अरे <laughs> अभी मुझे आप, मेरे को स्टूडियो से बाहर नहीं जाना चुके हो। मैं स्टूडियो से बाहर ही नहीं जाऊंगा जीतूंगा और ये देखो ये ऐप का कमाल है uh -huh. थोड़े से जाकर आप भी क्विजेस ले सकते हो सो लर्न प्रैक्टिस एंड देन टेक अप द टेस्ट सो दैट जो तो शार सर की हालत हुई है वो आपकी ना हो आई एम द विनर गाइस यस थैंक यू सो मच विदाउट एनी चीटिंग बाय द वे ठीक है जीतने वाले को बाजी कर कर रहे यस हमारा guys, नाम डुबा दिया अरे भाई कुछ नहीं <laughs> शिवान से समझ बोलो बेटा सुष्मिता मैम के सामने कैसे जीता था आज था यार थोड़ी तो मुझे भी क्रेडिट दे दो पढ़ाई करी थी मैंने नाइन टेंथ में इतना कोई बात <laughs> नहीं उनको जीतने दो आप लिखो ईस्ट और वेस्ट तुषार सर इज द बेस्ट लिखो लिखो ऐसा कर लो यार मैम यू आर अ फिजिक्स लेजेंड आई नो नेहा तुम्हें बोला Thank ना so गुड नाइट बोला ना नेहा थैंक यू सो मच शिवान शिवान अभी तो तुम मेरी टीम में थे थैंक यू सो मच यस अभी भी मेरी हार को देखने को यहाँ पे सुष्मिता यार ये तो चीटिंग करके भी नहीं जीत पाए यहाँ पे इतने दिए थे मैंने वाह एक भी नहीं दिया था ये सब लोग मेरे पीछे पड़े आप देख रहे ना बच्चों कैसे मुझे परेशान किया जा रहा है डू मेक श्योर टू चेक द एप आउट ठीक है बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट लॉट आपको प्रॉपर टाइम टेस्ट मिलेंगे जो आप मॉक्स के लिए इधर उधर पेपर ढूंढते रहते हो बोर्ड ऑलमोस्ट अब तो स्केड्यूल भी आ गया है डेढ़ दो महीने बच रहे हैं मुश्किल से ठीक है तो अच्छे से जाकर प्रैक्टिस mm. करो एक्सप्लोर करो ऑल ऑफ दिस इज एब्सिल्यूटली फ्री एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव डू कनेक्ट विथ अस ऑन द टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको रोज क्विजेस मिलते हैं हर सब्जेक्ट के विच इज ऑफकोर्स फंड जो हम कर ही रहे थे अभी तो वो रिविजन भी करा देते हैं हर एक टॉपिक का इंडिविजअली ऑन टॉप ऑफ दैट यूल हैव सारा जो रोज का सेशन है सारा अपडेट जो कुछ भी है अलॉर्ड ऑफ अनाउंसमेंट सो स्टे कनेक्टेड मेक श्योर टू जॉइन द चैनल विद द हेल्प ऑफ द Q R code और दो link and we'll see you very soon और मैं सोच रही हूँ तो शायद सर के साथ ही अगला match भी करते इस घर में बाय बाय ठाट बाय थैंक यू so much for all the love uh, and all your support बाय गाइस गुड नाइट टेक एर बहुत जल्दी मिलेंगे एंटिल द नेक्स्ट टाइम कीप एम्बाइंग कीप